शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नोमान इजाज का कहना है, मैंने कभी नहीं चाहा था बेटा अदाकार बने। मारूफ अदाकार नोमान इजाज ने निजी टीवी को चंद माह कबल इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने अपने बेटे और अदाकार जावियार के शोबिज में आने से मुतालिक गुफ्तगू की। इन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि जावियार अदाकार बने, लेकिन इसकी किस्मत में अदाकार बनना ही लिखा था। अदाकार ने बताया, मैं अपने बेटों को कभी भी ड्रामों की शूटिंग के सेट पर नहीं लेकर गया और ना ही कभी किसी फनकार को अपने घर मदो किया। नोमान इजाज ने कहा, मैंने अपनी निजी जिंदगी और फैमिली को शोबिज इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग और दूर रखा है। मैं घर में अदाकार नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहता हूं। इन्होंने कहा, जब मेरे बेटे ने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैं जाए नमाज पर बैठ कर बहुत रोया और कहा, अल्लाह ताला मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था, फिर मेरे बेटे को इस शोबे में क्यों डाला। अदाकार ने कहा, मुझे मालूम है इंडस्ट्री के लोग बहुत बुरे हैं, यहां अगर आप किसी को एक बार इनकार कर दो तो दोबारा आपसे बात करना पसंद नहीं करता। सीनियर अदाकार ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कदम जमाना मजाक की बात नहीं है, मेरा यकीन करें ये बातें झूठ नहीं बोले बल्कि शोबिज की दुनिया का सच बताया है। वाजे रहे, नोमान इजाज एआरवाई डिजिटल के ड्रामा सीरियल बिस्मिल में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, जिसकी दीगर कास्ट में हरीम फारूक, सवेरा नदीम, साद कुरेशी वगैरह शामिल हैं।